एक जमाने में अच्छे दोस्त माने जाने वाले राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया आजकल एक दूसरे के धुर विरोधी हो गए हैं। विरोध इतना कि बिना नाम लिए ही सही, लेकिन एक दूसरे के ऊपर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। और इसी कड़ी में सिंधिया ने एक बार फिर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे पर हैं। अमेरिकी दौरे के दौरान पीएम मोदी ने अमेरिका में कई सारे लोगों से मुलाकात की है, जिसमें ट्विटर के मालिक इलॉन मस्क भी शामिल हैं। इसके अलावा कई और हस्तियां हैं जिनसे पीएम मोदी ने मुलाकात की। इस मुलाकात का जिक्र करते हुए सिंधिया ने एक बार फिर राहुल गांधी के ऊपर निशाना साधा है। सिंधिया ने अपने सोशल मीडिया के जरिए राहुल गांधी के ऊपर निशाना साधा और लिखा कि विडंबना देखिए, अपने ही देश के कुछ लोग विदेश जाकर देश को बदनाम करने में जरा भी शर्म नहीं महसूस करते हैं, जबकि विश्व में मान सम्मान रखने वाले विदेशी हस्तियां हमारे देश और हमारे नेता का सम्मान करते नहीं थकती। दरअसल पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे के दौरान उनका भव्य स्वागत किया गया। जानी मानी हस्तियों ने उनसे मुलाकात की। इसमें ट्विटर के मालिक इलॉन मस्क, ब्रिज वाटर एसोसिएशन के सह संस्थापक रे डालियो, अर्थशास्त्री पॉल रोमियो और कई तमाम दूसरी हस्तियां भी शामिल हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी भी कुछ समय पहले विदेश यात्रा पर थे, जहां पर उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर सवाल उठाए थे। और इसी का जिक्र करते हुए सिंधिया ने राहुल गांधी का बगैर नाम लिए उनके ऊपर निशाना साधा और कहा कि कुछ लोग विदेश जाकर देश को बदनाम करते हैं, जबकि पीएम मोदी जैसे नेता जब विदेश जाते हैं तो वहां पर उनका जोर शोर से स्वागत होता है। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।